दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखिए कि सभी तरह का मछली यहाँ पे है। जैसे कि ये मछली का नाम हम जानते हैं रेवा है, और ये लग रहा है बुआरी का बच्चा है, इसमें टेंगरा मछली है। सभी तरह का मछली यहाँ पे आप लोगों के सामने है, जो कि ताज़ा ताज़ा ये मछली है और बहुत ही अच्छा ये मछली, इसको बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीका से। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सरसों है, उसके बाद ये हल्दी है, उसके बाद ये धनिया है, उसके बाद लहसुन है, जीरा है, कच्चा मिर्च है, और ये टमाटर है। तो सभी को हम अभी इस मसाले को पीस लेंगे, और पीसने के बाद इसको हम इस मछली में अच्छे से मिक्स करके और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बना के दिखाते हैं। यहाँ पे सभी तरह का मछली है, जो कि मसाला यहाँ पे देखिए, अब हम पीसने जा रहे हैं मसाला को। यहाँ पे दोस्तों देखिए आप लोग, साथ में आपको टमाटर भी डाल देना है। टमाटर डालने से इसमें हल्का टेस्ट बढ़ जाएगा और खट्टापन आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आप लोग देखिए टमाटर को भी अच्छे से डाल देना है काट के। और इसको मिक्स कर देना है अच्छे से। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को मछली यहाँ पे डाल दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऐसे पकड़ के मिला देना है। देखिए आप लोग ये मिलाने से अच्छी तरह से ये मछली यहाँ पे देखिए ऐसे ही करके आपको करीब करीब 20 मिनट तक ऐसे ही रहेगा। 20 मिनट के बाद ये मछली नीचे से सीज जाएगा, उसके बाद हम आगे आपको दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे मछली में सुंधा सुंधा खुशबू आने लगा, और मछली यहाँ पे आप लोग देखिए कि बहुत ही अच्छे से ये मछली फ्राई हो चुका है। अब इसको उलटना बाकी है। देखिए ये मछली जो है कितना सुंधा ये उलटाया है, और बहुत ही अच्छा तरीका से ये मछली यहाँ पे फ्राई हो रहा है। 10 मिनट और ये फ्राई होगा, 10 मिनट के बाद हम दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे मछली बहुत अच्छा से फ्राई हो चुका है, जो आपके सामने है। इसमें हम थोड़ा सा निकालेंगे खाने के लिए। यहाँ पे दोस्तों देखिए मछली ये जो है अच्छे से ये खदक रहा है। करीब करीब 10 मिनट तक ऐसे ही इसको खदकाना है।